मुझे कह दी छोड़ दी सर ने। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। इजंट इट टू हॉट? ये वो ऑन करवा दीजिए, डक्ट ऑन है, ऑन कर दीजिए। Okay, so hello everyone. Those who are sitting at the back, you want to sit there only? You want to come ahead? If possible, to aage aa jaiye. Because students are less, so it would be better if you will sit little bit ahead. Okay, so we are going to start with our third chapter of Vistas, that is a journey. Sorry, journey to the end of the earth. So please open that quickly. And then let's get started. In our last class, we have completed the Tiger King. That was your second chapter. Now let's start with the third one. Journey to the end of the earth. Okay. Okay. So let's start now. Okay, so this is written by Tishani Doshi. Okay, तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें तिशानी जोशी की जो दोषी की जो जर्नी रही है, दोषी दोषी, हाँ सेकेंड टाइम ऐसे दोषी हूँ, तिशानी जोशी नहीं दोषी, दोषी इट्स DOSHI. Okay, so तिशानी दोषी जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, जो इस चैप्टर की नैरेटर भी हैं, ओके लेखक भी हैं, ऑफ कोर्स वो बता रही हैं पूरा उनकी जर्नी कैसे रही जब वो एंटार्क्टिका गई थी। सो यस, जब वो वहां गई थी, सो हाउ शी ट्रेवल्ड, हाउ शी रीच देयर, यू नो हाउ वाज हर एक्सपीरियंस, उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, क्या महसूस किया, ये सब हम आज इस चैप्टर में देखेंगे कि नैरेटर का कैसा एक्सपीरियंस था। आर यू पीपल न्यू इन द क्लास? आर यू न्यू? You. तुम कितनी बार आए हो? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक दो बार तो देखा है फेस, बट नॉट क्वाइट फेमिलियर। कम आए हो आप? फोर्थ बेंच डेली आते हो? पीछे बैठते हो क्या? अब भीड़ में बैठते हो यहाँ तो? एंड दिस वन ऑल्सो, यस यू। आप कितनी बार आए हो? लास्ट दो, उससे पहले आते थे रेगुलरली? ओके, आप लोगों के फेसेस फेमिलियर तो हैं, बट ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि रोज नहीं आ रहे थे, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ओके, तुम आज मतलब जब छुट्टी लगने वाली दिवाली की तब आए हो डायरेक्ट? हाँ मतलब कल भी है, परसों से छुट्टी है। सो आज हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कंप्लीट कर लेंगे, एंड कल एज प्रॉमिस जैसा आपका है जो फोर्थ चैप्टर है इसके बाद का जो, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, दैट वॉज ऑन द फेस ऑफ इट। फिर जो है फिफ्थ और सिक्स दिवाली ब्रेक के बाद, एंड देन कोर्स कंप्लीटेड After doing writing and literary devices. Okay, so journey to the end of the earth में जो late आए हो सुनने, तिशानी दोषी जो इस chapter की narrator भी हैं, वो हम उनकी journey देखेंगे कि Antarctica जब वो गई उनकी journey कैसी रही। Okay, so now the, of course हम start कर रहे हैं, the narrator heads towards Antarctica. Okay, aboard, अब वो कैसे जा रही है, academic Shackle Sea जिसका नाम है, ये मैं आपको बता दूं ये क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द शिप। ये आपको बहुत ही शायद वियर्ड लग रहा होगा, आप मार्क कर सकते हैं, आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं इफ यू वांट, और अगर बुक में नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सॉरी के, इन माय बुक इट इज एंडिंग विद सी, कैन यू गिव मी योर लिटरेचर बुक?
I'll write it from your literature book only. Yes, in your literature book, it's ending with K. But yes, it's, you know, the pronunciation still remains the same. But let's stick to what is mentioned in your literature book. So let's stick to that. But in my book, it was written C. Akachmik Shokalski. So this was known as a Russian vessel. That means it was a Russian ship. So now they were heading towards the coldest, driest, and windiest continent, that is Antarctica. Of course, we all know that Antarctica is a place which is so, so, so cold and is, you know, famous for the temperature, or, you know, we can find penguins. Bhalu. Penguins are there in Antarctica. Even I saw a few posts recently. Un logo mein follow kar di thi and they visited Antarctica. So they posted beautiful pictures of penguins. Ye to humne padha bhi hai Antarctica mein. But penguins to hain. I'm sure about penguins. I'm not sure about polar bears. क्या बट यार अंटार्कटिका में पोलर पेंगुइन्स भी होते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं चिल्लाऊं मत जोर जोर से बट आई एम श्योर कि पेंगुइन्स होते हैं यस एनिमल्स हाँ पेंगुइन सील लेपर्ड सील ये सब आ रहे हैं लेपर्ड सील नाम है सील कही स्नो लेपर्ड अलग हो गया लेपर्ड सील नाम है इसका सील वही एस वी ए एल सील सील उसका शेप ऐसा होगा या उसका नाम होगा बट पेंगुइन्स और सील्स तो आ रहे हैं द मोस्ट अबंडेंट एंड द बेस्ट नोन एनिमल्स फ्रॉम दिस सदर्न कॉन्टिनेंट आर पेंगुइन्स सील्स एल्बेट्रॉसेस एल्बेट्रॉस होती है बर्ड वाली जो होती है एंड अदर सी बर्ड्स सो यस आर्कटिक में तो नहीं पोलर बियर्स क्योंकि एंटार्क्टिका में आई एम श्योर कि पेंगुइन्स तो दे आर वेरी पॉपुलर चलिए नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ठीक है सो इस अकेडमिक शोकल्स्की में जो है दैट वाज नोन एज अ रशियन वेसल रशियन शिप इसमें पहले इन्होंने ट्रेवल किया इट वॉज बेसिकली अ रशियन रिसर्च वेसल इसका अगर मैं आपको प्रॉपर वो बोलू तो शिप मैंने आपको समझाने के लिए बोला जो कि गलत नहीं है बट ये एक्चुअल क्या थी इट वॉज अ रशियन रिसर्च वेसल जिसमें कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे थे दे वर अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स ओके एंड वो क्या रिवील करती हैं कि वो जा रहे थे एंटार्क्टिका जो कि सबसे कोल्डेस्ट सबसे ड्राइएस्ट सबसे ज्यादा जहां पे ठंड होती है जो सबसे ज्यादा ड्राई कॉन्टिनेंट है जब जो चीज एक्सट्रीम ठंडी होती है ना वहां पे आपने देखा होगा जब गर्मी होती है सो ऑफ कोर्स वी हैव ह्यूमिडिटी वी हैव मोर मॉइस्चर लेकिन जब सर्दियां आती है तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नीड्स अ मॉइस्चराइजर क्योंकि हमारी स्किन इतनी ड्राई होने लगती है तो जब हम इतने नॉर्मल जगह पे रहते हैं अगर वहां पे हमें ड्राइनेस महसूस होती है बिकॉज ऑफ विंटर्स वो हवा में हमें महसूस होता है सो एंटार्क्टिका के लिए बोला गया इट इज अ ड्राइएस्ट प्लेस ओके सो शी हैज मेंशनड दैट यू नो She reveals that it is the coldest, driest, and windiest continent in the world. जहाँ पे yes, windiest मतलब जहाँ पे हवा जो है वो बहुत ज्यादा चलती है ठीक है windiest हवा बहुत तेज चलती है जहाँ पे Now she commences her journey from Madras. इन्होंने कहाँ से अपनी journey start करी थी तिशानी ने start करी मद्रास से अब हम देखते हैं इन्होंने कैसे कैसे ये पहुंची ठीक है शी कमेंसेस हर जर्नी फ्रॉम मद्रास एंड क्रॉसेस 9 टाइम जोन्स टाइम जोन क्या होता है जैसे अपने इंडिया में तो हम एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं आईएसटी फॉलो करते हैं लेकिन हम यूएस वगैरह की बात करें तो जैसे यूएस में नहीं 9 तो नहीं है वहां पे भी जितना मुझे आइडिया है 5-6 तो है ना मतलब 5 चेक कर लो पहले 6 तो मुझे पता थे लेकिन अब शायद मुझे लगता है 4-5 तो है ठीक है सियाटल में अलग फॉलो होता है मिनीसोटा में अलग फॉलो होता है 6 हैं 6 ही हैं अभी मुझे 6 पता था आई थॉट रशिया के 9 हैं ओके
सो वॉट शी डिड, शी क्रॉस 9 टाइम जोन्स. टाइम जोन में क्या होता है बेटा, जिन्हें आइडिया नहीं, बता दूं, अपने इंडिया में एक ही फॉलो होता है. जैसे हम यूएस की बात कर रहे थे, 6 टाइम जोन है. तो विद इन द कंट्री ही, जैसे अगर हम बात करें सियाटल की, तो सियाटल में जो टाइम होगा उससे आधे घंटे का फर्क होगा मिनीसोटा के टाइम्स में, जो वहां की एक स्टेट है. ठीक है, सिमिलरली हम बात करें कैलिफोर्निया की, तो वहां पे अगेन आधे घंटे का फर्क होगा. कोई जो पर्टिकुलर स्टेट है या जो भी वो सिटी है, वो आधा एक घंटा आगे या फिर पीछे हो सकती है. सो क्योंकि वो कंट्रीज इतनी बड़ी हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू व्हाट एवर यू कैन से सनराइज या सनसेट, उनके विद इन द स्टेट्स, नॉट इन ईच एंड एवरी स्टेट, बट यूएस में जैसे 6 टाइम जोन है, तो 6 जगह पे जो है आपको अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा एक ही कंट्री में. ठीक है, सो नाउ अब वो बता रही हैं कि जब वो मद्रास से निकली, उसके बाद वहां पहुंचने के लिए अपनी डेस्टिनेशन, व्हाट शी हैज टू डू, शी क्रॉस 9 टाइम जोन्स. जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इंडिया में एक है, यूएसए में 6 है. शी क्रॉस 9 टाइम जोन्स, विच इज, दैट मीन्स उन्होंने कितना ज्यादा ट्रैवल किया होगा, राइट? देन 6 चेक पॉइंट्स, हम उसको हिंदी में नाकाबंदी और वो सब बोलते हैं, छोटे लेवल पे बात हो गई, लेकिन ऑफ कोर्स इतने सारे चेक पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वो तो हाँ, जो स्टेट चेंज हो रही है, कंट्री चेंज हो रही है, उसके लिए जो प्रॉपर चेक पॉइंट्स, नाकाबंदी एक बहुत ही छोटा वर्ड हो गया उसके लिए, बट चेक पॉइंट उसके लिए एक प्रॉपर बड़ा वर्ड हो गया. एंड देन शी क्रॉस 3 वाटर बॉडीज. सो 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज, ये सब हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे वहां पे पहुंची, मतलब कितना ज्यादा जो है वो दूर था. ठीक है, एंड मेनी इको स्पेयर्स टू रीच हर डेस्टिनेशन. और इतनी चीजें क्रॉस, इतनी चीजें ट्रैवल करने के बाद, मतलब क्रॉस करने के बाद, शी वॉज एबल टू रीच एंटार्क्टिका. क्या हो गया, दिस वाटर बॉडीज यार, ओशियंस की बात होगी बहुत यार. अब तुम लोग सर्च सर्च करो कौन कौन से वो चाहिए रहेंगे. हो सकता है कि लेकिन सारे ओशियन नहीं हो, दो ओशियन हो, वन कैन बी अनदर बिग यू नो रिवर और समथिंग. वैसे तो रिवर तो नहीं होनी चाहिए, चेक करो एक बार यार कौन कौन से ओशियन आएंगे. आएगा इंडियन, आएगा, चेक करो. चंबल रिवर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल चुप हो जाएं, कुछ समस्या नहीं है. थर्ड वाटर बॉडी जानने में इच्छुक है हमारे बच्चे. और बेसिकली इन्होंने 100 आवर्स ट्रैवल किया था. आपके इसमें भी 3 बॉडीज, यस, 100 आवर्स, 100 घंटे की जर्नी थी जिनको, इनको समय लगा उसके लिए. इन्होंने कॉम्बिनेशन लिया था, पहले थोड़ा सा इन्होंने कार से भी ट्रैवल किया था, शिप से भी किया था, एरोप्लेन से भी किया था. तीनों जर्नी मिला के उन्हें 100 घंटे लगे थे टू रीच एंटार्क्टिका. बट यस, दे हैव मेंशन 3 बॉडीज ऑफ वाटर, तो दैट मीन्स 3 वाटर बॉडीज ही, दैट्स करेक्ट. आपकी बुक में भी दे हैव मेंशन दैट ओनली. डिड यू फाइंड द थर्ड वन? नो, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सी. यार सी हो सकता है थर्ड वन, इट कैन बी लाइक 2 ओशियंस दैट वी आर डिस्कसिंग एंड थर्ड वन कुड बी अ सी. Atlantic, Indian and Pacific. हाँ, तो ये हो सकता है सदर्न ओशियन जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इसलिए वो बोल रहे हो. कल अपनी क्लास है ना, कल हम इसको क्लियर कर लेंगे कि जो 3 वाटर बॉडीज है उसमें 3 कौन कौन से ओशियन थे, क्योंकि यार अब इसके लिए तो पूरा प्रॉपर मैप. और बेटा मैप से ज्यादा डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा रूट लिया था. अब एक जगह जाने के लिए कोई इंडिया आना चाहे तो डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट लेके उतरा. अभी मैं अभी कुछ देख रही थी, पढ़ रही थी, तो कोई इंसान मालदीव आके, मालदीव से गोवा आके, भाई मैं तो इंडिया आ गया. तो इट डिपेंड्स कि आप रूट क्या ले रहे हो, वो भी डिपेंड करता है. अब क्योंकि क्या, सो बेटा इट डिपेंड्स कि ऑफकोर्स उन्होंने रूट क्या लिया था, उसके बाद ही ये डिस्कशन हो सकता है कि तो 3 आ रहे हैं वाटर बॉडीज कौन से हैं.
चेन्नई से यूरोप जाने के चांसेस, बट यार इट डिपेंड्स. अब द थिंग इज कि उन्होंने मेंशन नहीं करा कि उन्होंने क्या रूट लिया है. वो आपके देखो फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं है दैट विच रूट डिड शी टेक. क्या लिखा हुआ है, तो वो भी आगे आएगा. चलते हैं अपन आगे, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी. अगर मिले, और सुनो, अगर नहीं भी मिलता है सो एक बार मैं खुद से रिसर्च कर लूंगी, एंड इफ आई गेट समथिंग विच इज सैटिस्फाइंग देन आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास. बट अगेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द रूट दे टुक. ओके, तो आप इन लोगों ने मद्रास से अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड दे ट्रैवल्ड फॉर तिशानी दोषी एंड अदर जो स्टूडेंट्स थे, दे ट्रैवल्ड फॉर 100 hours टू रीच एंटार्क्टिका. और उन्होंने क्या क्या क्रॉस किया था, 9 time zone, 6 checkpoints एंड 3 water bodies. हम वाटर बॉडीज पे ही डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी रही होंगी, बट दे हैवंट मेंशनड इन योर बुक, बट स्टिल आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स टुमारो. ओके, दो के लिए हम श्योर है, थर्ड वन विल डिस्कस टुमारो. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज ट्रैवलिंग ओवर 100 hours एंड शी फील्स, फाइनली शी फील्स वंडरफुल, शी फील्स रिलीव्ड बिकॉज व्हेन शी सॉ द कॉन्टिनेंट and the isolation of the continent and the historic time when India and Antarctica were a part of the same landmass. Ab again isme geography wala jo part hai wo bahut zyada aayega, kuch kuch chapters aapke aise jisme history ka essence bahut zyada tha jo humne ek padha tha usme bahut hi discuss hua tha hamara, right? What was the name of the chapter in which we discussed a lot? Indigo. Yes, absolutely. And journey to the end of the earth is quite related to geography. But again, kids, students, we have to stick to what's mentioned in your literature book, क्योंकि वो geography की basis पे आपसे question नहीं पूछ सकते, क्योंकि if they haven't mentioned in the chapter, तो जितना mention किया है वो पूछ भी उतना ही सकते हैं. So अब क्या होता है, उन्हें वो time याद आता है जब India और Antarctica हम सब एक ही landmass के वो थे. अब of course, you know, Antarctica एक अलग continent हो चुका है, Asia एक अलग continent हो चुका है जिसका part हम है India, but she is wondering about the time जब हम एक ही landmass का हिस्सा हुआ करते थे. आपने ये I think geography या history में जो है ये geography में पढ़ा होगा when you know we used to be one thousands of you know years back. So now Gondwana land जो है जिसकी बात हो रही है उसी की बात करेंगे अब हम. Then now narrator takes the reader back to 650 million years back जब you know हम एक same landmass हुआ करते थे. And at that time, Antarctica was a part of giant southern supercontinent called Gondwana land. ठीक है, तो हम बहुत सारे you know हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं. 132 million years back की हम बात कर रहे हैं जब you know Gondwana land के नाम से जाना जाता था, and which was known as a supercontinent. और हम सब माने जाते थे कि हम एक ही लैंडमास का हिस्सा थे. वी वर नॉट, वी डिड नॉट बिलोंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, हम सब एक ही थे. ठीक है, सो नाउ एट दैट टाइम ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड. ऑफ कोर्स इस टाइम पे जो ह्यूमंस हैं वो नहीं थे. द क्लाइमेट वॉज वार्म एंड देर वॉज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, अब आपको थोड़ा सा जो कंट्रास्ट है वो समझना पड़ेगा, और ये पूछा भी जा सकता है दैट व्हाट वाज द सिचुएशन इन एंटार्क्टिका 132 मिलियन इयर्स अगो एंड व्हाट वाज द करंट सिचुएशन इन एंटार्क्टिका. मे बी यू कैन, दे कैन आस्क यू द कंपैरिजन. सो कंपैरिजन बेसिकली क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, उस टाइम पे जो फ्लोरा एंड फौना है वो अबंडेंट अमाउंट में थी. फ्लोरा एंड फौना जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो खूब सारे थे. लेकिन हम बात करें अगर अभी की, तो ऑफ कोर्स यू नो वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते हो आपकी अबंडेंट है यू नो लाइफ पॉसिबल नहीं, मतलब लाइफ हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है एंटार्क्टिका में. तभी ऐसा है कि नहीं रहते हैं यू नो, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड ओवर देयर. बट वो बात कर रही है इतने सालों पहले की, पहले की हजारों सालों पहले की, जब जो क्लाइमेट है उस टाइम पे वो काफी अच्छा हुआ करता था. इट यूज टू बी वार्म और वहां पे फ्लोरा एंड फौना जो है वो भी था. सो वार्म टेम्परेचर वॉज देयर. क्या हो रहा है, चौक बहुत उड़ रही है. सो वार्म टेम्परेचर वॉज देयर, देयर वॉज ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड फॉर अराउंड 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना लैंड इट एग्जिस्टेड. 500 साल तक ऐसा भी हुआ था कि गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था. ये सब उन्हें याद आ रहा है, और जब उन्होंने लिखी थी अपनी जो बुक है या जो ऐसे उन्होंने लिखा था,
उसके अंदर वो याद करवा रही है और रीडर्स को उस तरफ लेकर जा रही है जब हम एक ही लैंड का हिस्सा हुआ करते थे. एंड इवेंचुअली द लैंडमार्क लैंडमास ब्रोक अप एंड इट वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज. आप लोगों ने वो पढ़ा है ज्योग्राफी में. व्हाट? यस, कोलिजन हुआ था एंड देन टेक्टोनिक प्लेट्स थी. यस, हाँ, स्टैंड अप एंड से लाउडली. हाँ बोलो बोलो. सो यस, बहुत डिटेल में आपके उसमें नहीं दिया हुआ है बट ये सब हम सबने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है तो बेसिक हम सबको याद है कि हम एक लैंड मास का हिस्सा थे जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, दैट वॉज गंडवाना. हम लोग सब एक थे. अब जो हम बोलते हैं इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, पहले ऐसा नहीं था. वी वर अ पार्ट ऑफ गंडवाना लैंड एंड जैसा इन्होंने बताया कोलिजन हुए, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करी है ना, कुछ लावा के नीचे चले गए, कुछ जो भी है मूवमेंट हुआ कोलिजन की वजह से उनका सबका, मतलब दे बेसिकली ब्रोक, दे गॉट सेपरेटेड इनटू पीसेस. मतलब एक इतना ह्यूज लैंड मास है उसको हमने डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया कितने पीसेस में, इनटू आर सेवन कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, जो अब हम पढ़ते हैं आज के टाइम पे जो अब अलग अलग हो चुका है. ठीक है, अंटार्कटिका, एशिया, देन वी हैव यू नो अमेरिका, सदर्न एंड नॉर्दर्न, उसमें दो पार्ट और हैं. सो नाउ वी हैव डिवाइडेड इट, नॉट वी हैव डिवाइडेड, so many million years back it got divided into seven different parts and then we, you know, we were forced to separate into countries. It continent ho gaye, uske andar bhi fir alag alag countries. Asia mein you can see abhi apna Asia Cup hua tha to jo Asia wali countries hai wo khel rahi thi na, so hum sab Asia wali countries ho gayi. So we were forced into countries and this shaped our present globe. Agar hum aaj ke present globe ki baat kare तो ऑफकोर्स जो हम देखते हैं हमें पता है, बट शी इज सेइंग दैट मिलियन इयर्स बैक दैट वाज नॉट द सिचुएशन, द ग्लोब डिड नॉट लुक लाइक द वे इट लुक्स राइट नाउ. ऐसा नहीं है. और ऑफकोर्स हम एंटार्क्टिका में अभी देखते हैं एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि 100 आवर्स की जर्नी से मैं बहुत परेशान तो क्या, थक जाते ना वैसे वाली चीज होती है, वो मेरे साथ हुआ था. बट वेन आई सॉ यू नो द लैंड कवर्ड विद कम्प्लीट स्नो, तब जाके मुझे रिलीफ मिला कि ओके फाइनली. सो आज हम एंटार्क्टिका कैसे देखते हैं, यू नो मैप, हम बात करें अगर पिक्चर्स में, सो वी स्पोक अबाउट पेंगुइन्स, वी स्पोक अबाउट कंप्लीट स्नो. लेकिन आज से बहुत साल पहले की बात करें, मिलियन इयर्स बैक, तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी. तो अगर कंट्रास्ट आ जाता है सो आपको कंट्रास्ट का मतलब ही ये है कि अभी एंटार्क्टिका कैसा है और पहले मिलियन इयर्स बैक कैसी सिचुएशन थी, यू शुड नो दैट. सो बेसिकली आपको शॉर्ट में पता था टेम्परेचर वॉज वार्म, देर वॉज ह्यूज वेराइटी, अबंडेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना वॉज अवेलेबल एंड वी ऑल वर पार्ट ऑफ गंडवाना. ओके, मिलियन ईयर्स बैक एंड देन वी, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स दैट हैपेंड एंड वी वर फोर्स्ड इनटू, वी वर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड देन वी वर फोर्स्ड इनटू डिफरेंट कंट्रीज, सेपरेटेड इनटू कंट्रीज. तो आपको ये पता है बेसिक शॉर्ट में कि क्या हुआ था. सो नाउ belonging to a relatively warm country, the narrator is shocked to be in a place when 90% of the earth's total ice volumes are stored. Now she says ki I come from a country which is, you know, warm only. Hum agar India ka bhi bole to hamare yahan pe bhi koi aisi bahut sardi nahi padti agar hum JNK ko chhod dein, Jammu and Kashmir ko, aur you know kuch aur states jahan pe achhi sardi padti hai, but sabse zyada to wahi pe padti hai. फिर फॉलोड बाई थिंक हिमाचल रहता होगा, हिमाचल या उत्तराखंड, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जे एन के में बहुत सर्दी रहती है. अदरवाइज हमने राजस्थान की बात करें, सर्दी तो रहती है लेकिन ऐसा नहीं कि वी आर कवर्ड विद स्नो, ऐसा नहीं होता है. क्या पिछला बिल्कुल सर्दी थी, मुझे याद करने दो. हाँ, ऐसे कुछ खास नहीं थी, ठीक थी. और यार वो ये भी डिपेंड करता है, इसमें मैं ज्यादा कॉमेंट नहीं करूंगी, मुझे बहुत सर्दी लगती है पर्सनली, है ना, मुझे बहुत सर्दी लगती है. सो आई विल बी द रॉन्ग पर्सन. तुम्हें बहुत सर्दी, हाँ तुम्हें दिख रहा है, तुम तो अभी से जैकेट पहन के घूम रहे हो. यस, सो एक ये भी डिपेंड करता है बेटा कि आपको, आप किस तरह की आपको आदत है एंड इट डिपेंड्स कि आप जिस स्टेट से आते हैं ना वहां कितनी सर्दी पड़ती थी. क्योंकि आपको अगर उसकी आदत है ना तो फिर आपको कंपेरेटिवली मतलब वो ठंड कम लगेगी. अब समबडी कम्स फ्रॉम यू नो महाराष्ट्र तो उसको कोटा में भी ठंड महसूस होगी क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट हैबिटुअल, क्योंकि मुंबई से तो उसको यार वो ह्यूमिडिटी की आदत होगी.
अब मैं जब कोटा से दिल्ली गई तो दिल्ली में ऑफकोर्स बहुत डिफरेंस नहीं कोटा दिल्ली में, बट इट्स लाइक 3 डिग्री यहाँ से और कम था, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है. सो इट्स लाइक आई वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ दैट, सो इट्स जस्ट लाइक दैट. बट हाँ, अब वो बोल रही है जो हमारी ऑथर है, उन्होंने इसमें बताया है कि बिलोंगिंग टू अ रिलेटिवली वार्म कंट्री, और ऑफकोर्स वो जब यहाँ से गई है, यहीं से है, तो हमारी कंट्री ऑफकोर्स वार्म ही है, ठीक है. अब वो बोलती है कि आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वॉज शॉक, जो 90% जो आइस का वॉल्यूम है दैट वॉज स्टोर्ड देयर इन एंटार्क्टिका, 90% ऑफ यू नो द टोटल वॉल्यूम, टोटल आइस वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉज स्टोर्ड देयर. समझ गए ना कितनी स्नो थी वहां पे, 90%. ओके, क्लियर एवरीवन? सो शी वॉज सरप्राइज एंड शॉक कि 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम वॉज stored over there, and she feels she's walking into a giant ping pong ball. और उनको लगा कि ऐसे कोई बहुत बड़ी सी यू नो बॉल है जिसमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और मैं उसके ऊपर चल रही हूँ, और it's like giant, बहुत बड़ी, बहुत huge जो है giant ball वो है. And there is no human life there, and nothing to show that human life exists on this planet. और वो बोल रही है कि वहां पे मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा, और मुझे ऐसा एक भी साइन भी नहीं दिखा जिससे मैं ये बोल सकूं कि यस ह्यूमन लाइफ इज पॉसिबल, या ह्यूमंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. नाउ शी वाज सराउंडेड बाय माइट्स, ब्लू वेल्स, लिमिटलेस एक्सपैंस ऑफ ह्यूज आइसबर्ग्स. वो बोल रही है मुझे क्या क्या देखने को मिली, बड़ी बड़ी ऑफकोर्स वहां पे दे वर बिग ह्यूज यू नो वेल्स ओवर देयर, क्योंकि ऑफकोर्स वो लोग उस टेम्परेचर में यू नो रह सकते हैं, उनकी बॉडी उस तरीके की रहती है. एंड शी वाज सेइंग कि जितनी दूर मेरी नजर जा रही थी मुझे सिर्फ और सिर्फ स्नो, सिर्फ बर्फ दिखती थी. एंड व्हाट एल्स आई कुड सी वाज, शी सेड दैट शी कुड सी ह्यूज आइसबर्ग्स, ठीक है. नाउ शी सेज द सरियल 24-hour समर लाइट्स एंड द साइलेंस दैट इज ओनली इंटरप्ट ओनली बाय द ब्रेकिंग ऑफ एन आइसबर्ग इज माइंड बॉगलिंग. वो बोलती है कि मैंने 100 घंटे ट्रैवल किया जिसकी वजह से ऑफकोर्स थकान हुई सब कुछ, लेकिन अगर आप वहां पे देखो तो 24, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना बचपन में कि अंटार्कटिका में ऐसा होता है कि बहुत 6 महीने रहता है ना 24 आवर्स, तो प्रॉपर समर लाइट रहती है, मतलब सुबह ही रहती है, रोशनी ही रहती है, मतलब दो इट्स लाइक 3 AM एट नाइट, लेकिन सूरज नहीं ढलेगा, सनसेट नहीं होता, मतलब इट्स लाइक प्रॉपर वहां पे लाइट रहती है, रोशनी रहती है फॉर 24 आवर्स. आई थिंक वो 6 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है. सो अब जब ये गई थी उस टाइम पे क्या था कि 24 घंटे वहां पे रोशनी थी, सनलाइट थी. सो शी सेज कि प्रॉपर 24 घंटे सनलाइट है, एंड इट वाज लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पे, एंड यू कुड फील द पीस, मतलब वो इतना ज्यादा पीसफुल था कि आप उसको इजीली फील कर सकते हैं. एंड डिस्टर्बेंस भी किस चीज से क्रिएट होता था, जब कोई आइसबर्ग टूटता था और उस आइसबर्ग के टूटने से जो आवाज आती थी, देन दैट पिन ड्रॉप साइलेंस वॉज यू नो broken, or you know you can say ki jo disturbance ka reason hota tha, that was you know breaking of an iceberg. So she says that was mind boggling, you know, matlab mere liye wo bahut hi next level acha experience tha ki there is you know itna serene hai sab kuch, okay, matlab that means something which is so beautiful and so peaceful. To is tarike ka jo hai maine wahan pe mera experience wahan pe raha, theek hai. Ab human impact ki baat karte hain environment ke upar. Human beings have been on earth for about 12,000 years, and in a short span of time we have changed the face of our environment for worse. Kuch aur diya hua aapke isme years ka, pata 200,000 kareeb hai yaar, dekhna mere isme again is 12,000 hi diya hua hai na, ha kyunki mere isme bhi 12,000 hi diya tha, par log koi dikkat nahi hai. चलिए, सो उन्होंने बोला कि अगर हम देखें तो हमें अर्थ पे आए हुए ह्यूमन बीइंग्स को आए हुए बहुत कोई लंबा समय नहीं हुआ है कि वी कैन से यू नो मिलियन ऑफ मिलियन इयर्स हो गए कि हमने अर्थ की ये कंडीशन दुर्दशा कर दी है. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी ही जनरेशन ने, मतलब हमारे टाइम तक ये इतना खराब हो चुका है, सो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट वी डोंट नो. मतलब तो वो ये बोल रही है बेसिकली जो मेन यहाँ पे उनका फोकस है, वो मेन फोकस ये है कि बहुत शॉर्ट स्पैन हमें हुआ है यहाँ पे अर्थ पे, ऐसा नहीं है कि हम मिलियन एंड मिलियन इयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं,
बट वी आर स्टिल चेंज द फेस ऑफ आवर एनवायरमेंट, इट इज फॉर वर्स. हमने ऐसा नहीं करा कि यार हम लोग आए हैं, यू नो, हम बोलते ना कि यार रोबोट्स हमें रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते, हमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं. लेकिन कहाँ जा रहे हैं हमारे फीलिंग्स और इमोशंस? ठीक है, क्या हो गया? आराम से, आराम से. सो व्हाट इज द नैरेटर सेइंग? शी इज सेइंग दैट वी हैव डोमिनेटेड द अर्थ बाय एस्टैब्लिशिंग सिटीज एंड मेगा सिटीज. जो हमने इतने बड़े बड़े शहर बनाए हैं, हमारे रस्ते काटे हैं, इस वजह से हमारी जो मदर नेचर है वो बहुत ज्यादा जो है हार्म हुई है. एंड वी आर लिमिटिंग रिसोर्सेज ऑन द प्लैनेट फॉर अदर क्रिएचर्स. हम जो यू नो इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, दैट इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग. एंड बर्जनिंग पॉपुलेशन हैज एडेड टू आवर वोज. द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग एंड द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग. ओके, सो नाउ व्हाट शी वांट्स टू से, कि मैंने आपको जैसा बताया कि हमें बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं हुआ है, स्टिल हमने जो है बहुत बुरी दुर्दशा कर दी है हमारे उसकी. जबकि हम चाहते तो हम उसे एक अच्छे नोट पे भी ले जा सकते थे कि हमें अर्थ इस उसमें मिली है एंड वी कुड हैव डन समथिंग बेटर, बट बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट सिटीज एंड यू नो मेगा सिटीज, हमने मदर नेचर को बहुत ज्यादा हार्म किया है. बर्गनिंग पॉपुलेशन, बर्गनिंग पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? बर्गनिंग इज समथिंग विच इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली. सो यू वॉन्ट टू राइट डाउन, आप लिख लीजिएगा इसको. बिगनिंग टू ग्रो और समथिंग विच इज इंक्रीजिंग रैपिडली इज बर्गनिंग पॉपुलेशन. BURGON, Bergen. This is burgeoning population increasing rapidly. तो हमारी जो population इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, इसने ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा responsible है हमारे earth को खराब करने में, या फिर we can say degrade करने में. और जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो हर साल इतना ज्यादा राइज कर रहा है कि ऊपर पूरे एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बन गया है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का. एंड यू नो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है, ऑफ कोर्स क्या बर्जनिंग पॉपुलेशन. ओके ओके, बट बेटा उसमें ना एक्चुअली ये होता है कि एक ब्रिटिश एक्सेंट में होता है और एक अमेरिकन एक्सेंट में होता है. इट्स लाइक एजुकेशन एजुकेशन शेड्यूल स्केड्यूल पोएम पोम, तो वो करेक्ट उस केस में दोनों हो जाते हैं ऐसा. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द क्लाइमेट चेंज वाली चीज. देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नैरेटर इज अलार्म्ड बाय देम. अलार्म समझते हो, अलार्मिंग सिचुएशन की, यू नो अब नहीं जागे तो बहुत प्रॉब्लम होगी. इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस ह्यूमन बींग्स. और इस पे जो डिबेट हुई, इन दिस डिबेट Antarctica has a major role to play. ठीक है, this is because as compared to other places, it remains relatively pristine and it contains 500,000 years old carbon records trapped in layers of ice. तो जब भी मतलब साइंटिस्ट वहां जाते हैं, जब भी ये डिबेट होती है, तो एंटार्क्टिका इसमें एक बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करती है, क्योंकि वहां पे 500,000 ईयर्स से ज्यादा के कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं लेयर्स ऑफ आइस के नीचे. और जब भी रिसर्च होती है या इफ साइंटिस्ट दे वॉन्ट टू फाइंड इट आउट, तो कहीं ना कहीं एंटार्क्टिका जो है वो बहुत एक बड़ा जो रोल है वो इसमें प्ले करता है. अब वो सबसे अच्छी चीज ये बोलती है, जो वहां की सबसे बड़ी खासियत है, वो बोलती है अगर आपको अर्थ का पास्ट जानना है तो आप एंटार्क्टिका जा सकते हो, बिकॉज हाउ यू नो थिंग्स यूज्ड टू बी. ठीक है, किसी को अगर प्रेजेंट जानना है, मतलब हमसे ज्यादा ऑफ कोर्स जो जिन्होंने उसकी स्टडी कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, दे कैन मेक अ कंक्लूजन. पर नॉर्मल इंसान को भी जानना है तो अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन देखनी है तो भी आपको वहां जाके समझ में आ जाएगा ये देख के कि कोई ह्यूमन पॉपुलेशन वहां नहीं रहती है, ना ही पॉसिबल है. क्योंकि वो बोल रही है जब मैं गई मुझे भी कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं दिखा और कोई ऐसा एस्पेक्ट भी नहीं दिखा जिससे मुझे ये लगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन आगे यहाँ पर रह सकती है. बिकॉज व्हाट शी टोल्ड अस दैट 90% जो अर्थ का आइस वॉल्यूम है वो उन्हें एंटार्क्टिका में देखने को मिला था, तो हम सिर्फ बर्फ से तो जिंदा नहीं रह सकते. सो शी इज सेइंग, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इट ऑल लाइज हिडन द कॉन्टिनेंट. उस कॉन्टिनेंट, अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें तो इसके अंदर हमें हमारा जो पास्ट रहा है
उसके भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं झलक देखने को मिल जाएगी, ग्लिम्सेस जिसको हम बोलते हैं. प्रेजेंट अगर हमें देखना है तो ऑफकोर्स हम देख सकते हैं, और हमारा फ्यूचर कितना खतरे में है या फ्यूचर कैसा होने वाला है वो भी हमें एंटार्क्टिका जाके इजीली समझ में आ सकता है. किस तरह से समझ में आ सकता है बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट हमें फिर भी पता है कैसे, बिकॉज व्हेन वी विल सी कि पहले जब हमने पढ़ाई करी थी, ऑफकोर्स हम तो ह्यूमन पॉपुलेशन तो उस टाइम नहीं थी जब गंडवाना लैंड था, नहीं थे ना ऑफकोर्स हम, लेकिन वो बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो ग्लेशियर्स हैं देवर स्टेबल. ऐसा नहीं था कि ग्लेशियर्स जो हैं ऑलमोस्ट यू नो हर हफ्ते हर महीने जो है अब वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट. हम बोलते हैं ना इस वजह से हमारा जो वाटर लेवल है, सी लेवल है, एग्जैक्टली इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है. लेकिन पहले ऐसा नहीं था, थिंग्स वर क्वाइट स्टेबल क्योंकि ह्यूमंस नहीं थे एंड देयर वाज नोबडी हु वाज डिस्ट्रॉइंग दी मदर नेचर. तो फ्यूचर खतरे में है वो हमें कैसे देखने को मिल सकता है, उन्होंने एक लाइन ही बोली है ये वाली, लेकिन हमें कैसे देखने को मिल सकता है, व्हेन वी विल नोटिस दी आइसबर्ग्स, व्हेन वी विल नोटिस दी ग्लेशियर्स, व्हेन वी विल नोटिस दी टेम्परेचर, उन सब चीजों की वजह से जितनी हम जो चीजें काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, फैक्ट्री से जो यू नो पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब चीजों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है. तो अगर हम ध्यान दें तो हम अपना फ्यूचर भी वहां पे देख सकते हैं. वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड उसमें आ गए ना दिल्ली विथ 500 AQI आया है आई गेस, यस, विच इज यू नो सो सो डेंजरस. सेकेंड आई थिंक लाहौर था, फॉलोड बाय लाहौर था, मुंबई आई गेस फिफ्थ नंबर पे था. सो यस, मतलब अगर हम देखें तो हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है. ऐसा भी नहीं है अब तो कि पहले 10-20 साल पहले ऐसा चलो ठीक है बुक्स में कि ऐसा होगा, अब तो इट्स लाइक वी आर नोटिसिंग इट विद आर ओन आईज एंड इट्स हैपनिंग. दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. सो नेक्स्ट 10 इयर्स में सिचुएशन इज गोना गेट वर्स. वैसा नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स एज ह्यूमंस वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड शुड ट्राई टू चेंज इट. अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की, जिस प्रोग्राम के लिए तिशानी और जो अदर स्टूडेंट्स थे वो गए थे. सो ये प्रोग्राम जो है बेटा, इट एम्स एट स्टडिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन एंटार्क्टिका. इकोलॉजिकल जो प्रोसेस थे तिशानी और जो अदर हाई स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए गए थे, इस प्रोग्राम का मेन एम ये था कि ये उसकी पढ़ाई करें, उसको स्टडी करें. एंड जो नरेटर है शी वर्क्स ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड अकेडमिक, दैट वॉज द नेम ऑफ दैट, यस, दैट रशियन, दैट वॉज रशियन रिसर्च वेसल, यस. So it takes school students on the trip to Antarctica and the visit aims at generating a new awareness and respect for our planet in young impressionable minds. So we often say that if you want to change the future, it's very important to guide and educate the youth. Agar humne jawanon ko sudhar diya, samjha diya, तो कहीं ना कहीं फिर भी हमारे पास एक स्कोप है. समबडी हू 60 ईयर ओल्ड, मैं उनको चेंज करके अभी क्या करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपका माइंडसेट बहुत रिजिड, बहुत स्टबर्न हो जाता है. यू गाइज आर हार्डली यू नो 16-17-18 ईयर्स ओल्ड. इफ वी कैन एडुकेट यू एंड इफ वी कैन गिव यू द राइट डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स आप ये कोशिश करोगे कि यार आपके जो दोस्त हैं या घर वाले हैं, आप कहीं ना कहीं उनको भी वो दो अच्छी बातें सिखाओगे कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए. बहुत बार ऐसा छोटे भाई बहन होते हैं, हम बोलते हैं कि यार अरे यार भाई वो यार बताओ बेटा क्या होता है, पहली बार में कोई भी नहीं सुनता है किसी की बात. बट यू नो ऐसा मैंने बहुत बार पढ़ा है दैट गुड हैबिट्स दे नीड टू बी इनकल्केटेड. रोज बताओ, रोज बताओ, रोज सिखाओ, तब जाके क्या 10वीं बार 12वीं बार नहीं है तो 20वीं बार आएगा. ठीक है, मेरा बड़ा भाई बोलता है कि पॉलिथिन रोड पे नहीं फेंकनी चाहिए, है ना. तो मे बी जब तुम नहीं होगे शायद उसको तब याद आ जाए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इट कैन बी एनी थिंग. हमने एक शायद हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई डोंट रिमेम्बर द क्लास, उसमें इवन वेन आई वॉज अ किड तब मैंने पढ़ा था स्कूल में, कि वो हमेशा ना बनाना का वो फेंक देता था, छिलका फेंक देता था. फिर एक दिन उसका खुद का ही कोई फैमिली मेंबर उस पर स्लिप हुआ था, या वो खुद ही गिर गया था शाम को, कुछ तो हुआ था, मुझे याद नहीं है. इवन आई वॉज अ किड, तो उसमें यही था, वो वहां छिलका फेंक देता था और उसके खुद के किसी घर वाले को चोट लग गई थी, वो खुद गिर जाता है शाम को उसी बनाना के पील पे, छिलके पे. तो उसको रियलाइज होता है कि यू नो यार व्हाट आई वाज डूइंग वाज रॉन्ग. लोग मैं ये बेटा देखो, अपन अब जा रहे हैं उस पर लॉजिक पे, दैट आई अग्री विद यू, आप गलत नहीं हो. वैसे यार गिर भी सकते हैं बनाना पील पे,
क्योंकि एक आध बार तो देखो, हाँ मैं आपको बताऊं, वो जो बिल्कुल जो खराब सा वो नहीं होता है उसके ऊपर वो लिक्विडी जैसा वो हो जाता है, हाँ मतलब उसमें गिर सकते हो आप, स्लिप हो सकता है आपका पैर, तो जो आप कह रहे हो कार्टून वाली चीज वो भी ठीक है बेटा, बट जो लेसन हमें उससे सीखने को मिला वो ये है कि जब तक हमारे खुद के साथ उसका नुकसान नहीं होता है तब तक हम उसको नहीं सीखते हैं, नहीं समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे थे, जो उनके रिसर्च प्रोग्राम को लीड करते थे, उन्होंने इतने छोटे बच्चों को, यंग जो थे, उन लोगों को यहाँ पे ले जाना जरूरी क्यों समझा, बिकॉज दे वॉन्टेड देम टू स्टडी अबाउट द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस सो दैट दे कैन ट्रेन एंड यू नो जो यंग माइंड है उनको ये सिखाया जा सके दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to respect your mother nature, it's very important to respect the continent, ताकि कहीं ना कहीं you know they would learn something good and new. Now this program has been in operation for 6 years and it was headed by a Canadian. इनको एक जो program के head थे वो एक Canadian थे, इनका नाम था yes Geoff Green होगा, Green ही था ना, Geoff Green जो थे वो उसको हेड करते थे. अर्लियर ही यूज टू टेक सेलिब्रिटीज, पहले वो क्या करते थे, पहले वो बेटा सुनो इसको इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले वो स्टूडेंट्स को नहीं लेके जाते थे, ही यूज टू टेक सेलिब्रिटीज, ठीक है, ऑफकोर्स कितना प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर जिनके पास बहुत बहुत पैसा है लेकिन यू नो वो चाहते हैं जानना, ठीक है, जो क्यूरियस है. अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, I forgot the name of that. अभी इतने बड़े billionaire थे जो submarine में मर गए, they wanted to see the yes ocean में गए थे and they wanted to see the debris of Titanic. Titanic के टूटे हुए उनको वो देखने थे parts and all and those billionaires they died underwater. वो मर गए, but yes they had lots of money, loads of money था उनके पास and they were curious. हाँ उनको debris देखना, debris बोलते हैं उसको, so they wanted to see the debris of Titanic. So earlier what Geoff used to do was, Geoff used to take people who were celebrities, जो उनके पास बहुत पैसा था, but they were curious to know about Antarctica, ठीक है, rich curiosity seekers to Antarctica for money. Of course, इतने पैसा लोगों को आप पैसों के लिए लेकर जाओगे. So gradually he got sick of those people who gave nothing to the earth in return. और जो ये Canadian जो उसके program के head थे, Geoff Green, after some time you know he got irritated ki yaar these people they have money but they don't have anything in return to you know give to our mother nature, hamare earth ko dene ke liye in logo ke paas unfortunately kuch bhi nahi hai. So then he decided that now onwards I will start taking school students there, and it was his firm belief that young minds could learn and act about the potential hazards regarding the environment which our earth faces. Ye aaya baad mein, maine aapko explain pehle hi kar diya tha, but even I agree with this, agar aapko apna desh ya apna bhavishya badalna hai to यंग लोगों का माइंडसेट बदलो. इट्स नॉट अबाउट कि आप उनको मैन्युपुलेट करो, उनको ये सिखाओ या समझाओ कि ऑफ कोर्स तुम इतने पढ़े लिखे हो तुमको खुद को पता है क्या सही है क्या गलत है, बट कहीं ना कहीं अगर कोई डायरेक्शन दिखाने वाला इंसान मिल जाए तो कहीं ना कहीं चीजें जो है बेटर हो जाती है कि यार ओके दिस इज समथिंग रॉन्ग, ऑफकोर्स दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग और दिस इज समथिंग विच इज राइट. तो उन्हें ऐसा लगता था Geoff Green को, अगर मैं स्टूडेंट्स को लेकर जाऊंगा और तो यू नो वो जो है फ्यूचर में डेफिनेटली अर्थ के लिए कुछ करेंगे और वो जो पोटेंशियल हजार्ड्स हैं रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. एंड दिस प्रोग्राम इट बिकेम अ सक्सेस बिकॉज चिल्ड्रन कुड सी विद देयर ओन आईज. अब लिटरली हम एंटार्क्टिका गए नहीं है, हमें बोला जा रहा है कि यार ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ऐसा हम सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इंसान लगता है बचपन में लगता था यार यार बुद्धू तो नहीं बनाते, बचपन में तो कभी कभी ऐसे ख्याल आते भी थे when even I was in 6th-7th grade, तो पढ़ते ही थे SST में, लेकिन वो बोल रहे थे कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा क्योंकि जब बच्चों ने अपनी खुद की आंखों से देखा, when the kids saw this with their own eyes that the collapsing ice shelves and retreating glaciers, they realized that yes, the threat of global warming is real. It is not just in the books, it is not said by the teachers, they are not just words. When they saw it with their own eyes, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यस दिस इज ऑल ट्रू एंड ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बातों में किताबों में नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सच है. अब वो बताती है कि ऐसे लेसन्स जो हमें सीखने चाहिए
what is something which should be learned. So she says that the greatest lesson to be learned is little changes in the environment can have big repercussions. Repercussions kya hota hai beta? Repercussions is the consequences. तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको सबसे बड़ा लेसन क्या सीखना चाहिए कि छोटे छोटे चेंजेस से भी इन्वायरमेंट के ऊपर जो आप देखेंगे, हम तो घर ही तो बना रहे हैं, फैक्ट्री तो बना रहे हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्मफुल होंगे, क्योंकि एक इंसान ऐसा नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया ही ऐसा कर रही है, एक घर नहीं बन रहा है ना. सो यस द माइक्रोस एक सेकेंड, द नरिशमेंट फॉर मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द रीजन, एनी मोर डिप्लीशन. यस, सो नाउ दे से कि अगर और डिप्लीशन हुआ ओजोन लेयर में, सो इट विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अगर अब हमने और हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट कर दी तो, एंड दिस विल इन टर्न अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इन रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल. तो वो बोल रहे हैं कि एंटार्क्टिका में जो रहने वाले और जो प्लांट्स या एनिमल्स जो सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी भी लाइफ बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट होगी. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. द फाइटोप्लैंक्टन लीड्स अस टू कंक्लूड दैट इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स कैन बी सेव्ड. इसके लिए वो एक वो कोट है ना कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स भी लो, यू नो स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स कैन लीड टू बिग, इट कैन बी समथिंग वेरी बिग एंड सक्सेसफुल. सो वो बेसिकली कंक्लूड यही करना चाहती है कि अभी चाहे वो आपको छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लीजिए. अब बेबी स्टेप्स होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे के स्टेप्स होते हैं ना, उतने छोटे स्टेप्स लीजिए, दैट्स ओके. बट वन डे वी विल बी एबल टू सेव आर मदर नेचर, आर लैंड, इफ वी विल टेक स्मॉल स्टेप्स, बिकॉज स्मॉल थिंग्स दे कैन सेव बिग थिंग्स इन फ्यूचर. Now she says that she remembers a memorable walk on the ocean, and the narrator says that the experience of strolling on the ocean at Antarctica was a never to be forgotten incident for all. Strolling samajhte ho, ghumna, matlab we are going for a stroll, so that's like ghumna. So wo bolti hai jab main Antarctica ke ocean pe walk kar rahi thi, it was such a nice experience ki main apni life mein usko kabhi nahi bhulungi. It is never to be forgotten incident in my lifetime. And at 65.55 degrees south of equator, the narrator and the students were told to get down, and they put on Jortex ice shoes and sunglasses. Unko ice shoes pehnaye gaye the, glasses pehnaye gaye the, and they were over 180 meters of the salt water, and there was 1 meter thick layer of ice. वो सॉल्ट वाटर के ऊपर थे, उनको प्रॉपर शूज पहना दिए गए थे, ग्लासेस पहना दिए गए थे, और कितनी थी, 1 meter थिक लेयर थी वहां पे आइस की. एंड शी सेज दैट इट वाज अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस जब हम लोगों ने उस पे वॉक किया, एंड इट वाज सरियल. एंड शी सेज इट वाज ट्रूली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग तिशानी दोषी. ओके, नाउ द डिफरेंस दैट द एंटार्क्टिक ट्रिप फाइनली मेड इनटू हर लाइफ वाज that the author was overwhelmed with the beauty of balance in play on our planet. जब हम इतनी दूर जाते हैं तो हम realize करते हैं कि you know ऊपर वाले ने कुदरत को कितने सुंदरता से बनाया है. You know it is such a beautiful place, right? And she has many questions in her mind. कितनी सुंदरता है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है यार हमारा शहर. Yes. So she has many questions in her mind. Whatever be the answers to these questions, she is full of optimism about the teenagers who are full of idealism to save the earth after having made the trip to Antarctica. Aur Tishani bhi yehi bol rahi hai, as you all are teenagers, you are full of questions because you are the curious minds. So she says that yes, I am also full of questions, and I don't know what are the answers to the questions, but she says I am very full of optimism. Main bahut positive hu, aur sirf main hi nahi, baki jitne bhi teenagers the, mujhe unko dekh ke bhi itni khushi hui ki wo sab optimism, you know, positivity se bhare hue hain. और उनके अंदर एक ही आइडिया है दैट यस, हमें हमारे अर्थ को कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके हमें उसे बचाना होगा. ओके, सो ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ.
Tomorrow we will do our fourth chapter of Vistas and then I'll see you after the break. And those who are talking about the beauty of City Park, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात ही कहूंगी बेटा, अभी आप लोग पढ़ाई के पर्पस से आए हैं, things would look definitely different to all of you. I can understand that, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट बहुत अलग है, अभी आप बहुत फोकस्ड हैं और आप चिंतित हैं अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है. जब अरे कोई ताली की बात ही नहीं है, लेकिन जब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जेई में सिलेक्शन आपका हो जाएगा और जब आप कोटा घूमने आएंगे तब आपका माइंडसेट बहुत अलग होगा, क्योंकि तब आप बहुत काम होंगे, कंपोज्ड होंगे और आपके दिमाग में एक टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा कि यार जेई निकालना है, आप वहां बैठे होंगे. तो तब माइंडसेट अलग होगा, आज माइंडसेट अलग है. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल टुमॉरो. थैंक यू गुड लक. नमस्ते मैम.